Hello students, I hope you are well at your home. Today we are going to learn Science of Class 5, Lesson number 8, Rocks and Minerals. Today's topics are Minerals and Valuable Underground Resources. In previous video, we have learned about igneous rocks, metamorphic rocks and their types. आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिनरल्स और वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज पे है कि मिनरल्स क्या होता है एंड वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लिसन केयरफुली एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एंड द टॉपिक इज मिनरल्स, मीन्स हिंदी में इसको खनिज पदार्थ कहते हैं. अ मिनरल इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. एक जो मिनरल होता है, खनिज पदार्थ होता है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अकार्बनिक पदार्थ होता है विच हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसकी जो कंपोजिशन, जो रचना होती है वो निश्चित होती है, एक केमिकल जैसी होती है. दे आर सॉलिड एंड हैव अ क्रिस्टलाइन फॉर्म. ये सॉलिड होता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. The major rock forming minerals are quartz, feldspar and mica. तो major rock होते हैं form में minerals में जैसे quartz, feldspar and mica है. Means जैसे mineral में quartz, feldspar and mica है, ये major rock form होते हैं. They all are found in granite. और ये सब granite में मिलते हैं. Some minerals found in rock are metallic and some are non-metallic. कुछ मिनरल्स रॉक्स में, मींस जो कुछ मिनरल्स हैं रॉक्स में मिलते हैं मेटेलिक फॉर्म में और कुछ नॉन मेटेलिक फॉर्म में मिलते हैं. मींस जो मिनरल्स होते हैं वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों होते हैं. द मेटल लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स. मेटल में जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम है, ये मिनरल्स निकाले, एक्सट्रैक्टेड मीन्स निकाले जाते हैं. A mineral from which a metal can be extracted easily and profitably is called an ore. एक जो mineral होता है वो extract easily, कुछ जो mineral होते हैं उनको easily बहुत आसानी से और लाभप्रद के लिए निकाला जाता है. Means ऐसे minerals जिनको आसानी से और लाभप्रद के लिए निकाला जाता है, that is called an ore. उनको और कहा, और मीन्स अयस्क भी इनको कहते हैं. प्रीसियस स्टोन्स लाइक डायमंड, एमरल्ड, रूबी एंड सफायर आर ऑल्सो डग आउट ऑफ रॉक्स. दे आर ऑल्सो मिनरल्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, दे आर शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड मेड इन टू ज्वेलरी. प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस मीन्स कीमती, कीमती स्टोन में जैसे डायमंड, एम्ब्रेल, रूबी एंड सेफायर. डायमंड मीन्स हीरा, एम्ब्रेल मीन्स पन्ना, रूबी माणिक जिसको कहते हैं, एंड जो सेफायर होता है ये रॉक से डग मीन्स खोदे जाते हैं, इनको रॉक से खोद के निकाला जाता है. दे आर ऑल्सो मिनरल्स, ये सभी मिनरल्स हैं. दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं. They are shaped and polished and made into jewelry. इनको शेप दिया जाता है, किनको, जो precious stone होते हैं इनको शेप दिया जाता है, उनको पॉलिश किया जाता है और ज्वेलरी के लिए बनाया जाता है. Minerals like sulfate, phosphate, nitrate and potassium salt are useful as manure and fertilizer for the better growth of crops. Minerals में जैसे sulfate, phosphate, नाइट्रेट और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, इनका यूज मैन्योर, मैन्योर मीन्स खाद के लिए, और फर्टिलाइजर मीन्स उपजाऊ बनाने, रासायनिक खादों के लिए यूज किया जाता है. फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को बेटर ग्रोथ के लिए, मीन्स जो अनाज होता है, क्रॉप्स होते हैं उनकी बेटर ग्रोथ के लिए इन मिनरल्स का यूज किया जाता है. इस तरीके से जो मिनरल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रॉफिट देते हैं हम लोगों की लाइफ में, क्योंकि वो प्रीसियस स्टोन के लिए भी किया जाता है, वो क्रॉप्स को फर्टिलाइज के लिए भी किया जा सकता है.
जैसे आप देख सकते हैं ये कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है, ये शेप होता है मिनरल्स के। डायमंड, रूबी, इम्ब्रेल एंड सेफायर ये प्रीसियस स्टोन्स हैं। जिसमें डायमंड, हीरा, इम्ब्रेल, पन्ना, रूबी, माणिक और ये सेफा नील नीलमणि जिसको कहते हैं, ये क्या है? प्रीसियस स्टोन है। एंड द नेक्स्ट इज वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज, मींस जो वैल्यूएबल मींस मूल्यवान अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जो भूमिगत साधन होते हैं, मींस जिनको भूमि से निकाल के यूज किया जाता है। फर्स्ट इज फॉसिल, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मींस इसको हिंदी में जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल्स फ्यूल, ये सब चीजें क्या है? फॉसिल्स फ्यूल्स हैं। दे आर मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव मिलियन ऑफ ईयर एगो। जो कोल होता है, कोयला, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैसेस होते हैं, ये बनते हैं किससे? रिमेन्स ऑफ प्लांट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, उनके जो बचे खुचे पार्ट्स रहते हैं उनसे बनते हैं। दे लिव मिलियन ऑफ ईयर, जब वो क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जब वो लाखों साल पहले रहते थे, तब उनसे क्या है? उनसे ये फॉसिल्स फ्यूल बनते हैं। फर्स्ट इज कोल, कोल इज अ वन ऑफ द मोस्ट एंड कोल कोल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल्स स्टोर इन द अर्थ। मिलियंस ऑफ ईयर अगो लैंड वॉज कवर्ड विथ थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट, वेन द ट्रीज डाइड दे फेल इन टू द स्वैम्प्स, लेयर्स ऑफ मड सैंड एंड न्यू प्लांट्स गॉट डिपॉजिटेड ऑन देम, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे चेंज्ड इन टू कोल। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोल, पेट, लेग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। कोल, कोल मीन्स कोयला, कोल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल्स स्टोर इन द अर्थ। जो कोल होता है, कोयला होता है, वो बहुत मूल्यवान मिनरल्स है, मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल्स है जिसको स्टोर करके रखा जाता है अर्थ में। मिलियन ऑफ ईयर अगो लैंड वॉज कवर्ड विथ थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट, लाखों साल पहले लैंड जो भूमि थी वो मोटी थिक स्वैम्पी दलदली जंगलों से कवर्ड था, पूरा जो अर्थ का जो लैंड है वो कवर्ड था थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट से। व्हेन द ट्री डाइड दे फेल इनटू द स्वैम्प, जब ट्रीज डाइड होते हैं, मर जाते हैं ट्रीज, और वो फेल इनटू द स्वैम्प, और वो स्वैम्प दलदल में गिर जाते हैं, तो लेयर ऑफ मड सैंड एंड न्यू प्लांट्स गॉट डिपॉजिटेड ऑन देम, तो मिट्टी, बालू और न्यू प्लांट्स की लेयर डिपॉजिट हो जाती है उनमें। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे चेंज इनटू कोल, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण चेंज होता है ये कोल में। मेन जो स्वैम्प में ट्रीज डेड, जो ट्रीज होते हैं, न्यू प्लांट्स और मड सैंड इन सब जब डिपॉजिट हो जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये कोल में चेंज हो जाते हैं। एंड दे आर फोर टाइप्स ऑफ कोल, और ये फोर टाइप्स के होते हैं, फट, पीट, लिग्नाइट, विटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। एंड द बेस्ट कोल इज एंथ्रेसाइट, और जो बेस्ट कोल है वो एंथ्रेसाइट है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ हार्ड कोल, इसको हार्ड कोल भी कहते हैं। व्हेन इट बर्न इन गिव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड वेरी लिटिल स्मोक, जब इनको बर्न किया जाता, किसको? जो एंथ्रेसाइट होते हैं, तो गिव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, ये बहुत ज्यादा मात्रा में हीट देता है और बहुत कम, लिटिल स्मोक, बहुत कम धुआं देता है, तो यही एक अच्छी क्वालिटी का कोल होता है जिसमें हीट बहुत ज्यादा होती है और स्मोक कम होता है, तो ये बेस्ट कोल है एंथ्रेसाइट। आप देख सकते हैं कि कोल बीइंग टेकन फ्रॉम अ कोल माइन, कि किस तरीके से कोल को कोल माइन से निकाला जाता है। एनएसटी इंजन, यूजेस ऑफ कोल, कोल का क्या यूज होता है? कोल इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल,
जो कोयला होता है उसको व्यापक रूप से फ्यूल के लिए यूज किया जाता है. फर्स्ट इज कुकिंग, खाना बनाने में. प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट्स. इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इन ब्लास्ट फर्नेस एंड स्टील इंडस्ट्रीज. एंड स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील इंडस्ट्री होती है उनमें ब्लास्ट फर्नेस के लिए. एंड फॉर मूविंग इंजन, इंजन को मूव करने के लिए. एंड टू मेक फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक. और फर्टिलाइजर्स मीन्स उपजाऊ, मीन्स जो रासायनिक खाद होती है प्लास्टिक्स, ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए बनाने में भी यूज किया जाता है कोल का. एंड सम केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल हैव टू मेक नायलॉन, प्लास्टिक, ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर्स. एंड कुछ केमिकल्स होते हैं जो कोल की हेल्प से बनाए, जैसे नायलॉन है, प्लास्टिक, ड्रग्स, फर्टिलाइजर, इनका यूज किया जाता. ओके तो इस तरीके से हमने कोल के बारे में पढ़ा कि कोल कैसे बनता है, उसका यूजेस क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज कोल माइन इन इंडिया, मीन्स कोयले की खान इंडिया में कहाँ पे है. फर्स्ट सुहागपुर, ये मध्य प्रदेश में है. धनबाद, ये झारखंड में है. रानीगंज, ये वेस्ट बंगाल में है. एंड नेवेली, ये तमिलनाडु में है. एंड सिंगरैनी, ये आंध्र प्रदेश में है. ये जितने भी ये स्टेट्स हैं, इन जगहों पर कोल माइंस हैं, कोयले की खान है. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. वो जैसे प्रीसियस स्टोन हो गया, हम लोगों के जैसे क्रॉप्स को हेल्प करते हैं, और उनमें कोल हो गया, कोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. इस तरीके से हमने आज के वीडियो में मिनरल्स का कोल के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और आज का जो आपका होमवर्क है, जितना आपको रीड करवाया गया, पढ़ाया गया, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है और समझना है. ओके स्टूडेंट, आई होप ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.